हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दादी नानी के असरदार नुस्खे, छोटी सस्ती और असरदार टिप्स, चलिए देख लेते हैं। पहले के समय में छोटी मोटी बीमारी का इलाज तो घर पर ही कर लिया जाता था। हमारे घर की रसोई में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं। हमारे दादी नानी तो आज भी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये उपाय सदियों पुराने हैं और इनसे उपचार करने में सेहत को कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके अलावा ये उपाय सस्ते और असरदार भी होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं दादी नानी के घरेलू नुस्खे। नंबर एक, शहद गले की खराश की समस्या को कम करने में प्रभावी माना गया है। इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसका गाढ़ापन और चिपचिपापन गले को आराम देने में मदद कर सकती है। नंबर दो, दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाएं, दांत के दर्द में तुरंत राहत मिल जाएगा। नंबर तीन, तेज सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सेब को छीलकर बारीक काटें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं, इससे बहुत आराम मिलेगा। नंबर चार, शरीर पर कहीं जल जग गया हो तो तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो या फिर त्वचा पर झुर्रियां हो या कोई त्वचा रोग हो तो कच्चे आलू का रस निकाल कर लगाने से बहुत ही फायदा मिलता है। नंबर पांच, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो तुरंत कच्चे आलू का एक पतला टुकड़ा काट कर उस पर नमक लगाकर कीड़े के काटे हुए स्थान पर 5 से 7 मिनट तक रगड़ने से जलन और दर्द गायब हो जाएगा। नंबर छह, मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ भी गुलाबी होने लगते हैं। नंबर सात, मुंह की बदबू से परेशान है तो दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रखें, मुंह की बदबू तुरंत ही दूर हो जाएगी। नंबर आठ, बहती नाक से परेशान हो तो यूकिलिप्टस का तेल रुमाल में डालकर सूंघें, बहुत ही आराम मिलेगा। नंबर नौ, कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोजाना सिर में प्याज का पेस्ट लगाएं, बाल सफेद से काले होने लगेंगे। नंबर 10, चाय पत्ती के उबले पानी से बाल धोएं, इससे बाल कम गिरेंगे। नंबर 11, प्याज पीसकर उसका रस कपड़े से छान लें, फिर उसे गर्म करके 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाएगा। नंबर 12, दांतों के दर्द से आप भी परेशान हैं तो सेंधा नमक में सरसों के तेल को अच्छी तरह से मिला लें, इसका पेस्ट से सुबह शाम ब्रश करें। इस तरह से आपको दांतों का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। नंबर 13, पेट से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेंधा नमक और नींबू के रस को एक साथ मिलाकर पीने से काफी फायदा देखने को मिलता है, इससे गैस की समस्या भी दूर हो जाती है। नंबर 14, प्याज पीसकर उसे गर्म कर ले, फिर उसमें गौमूत्र मिलाकर छोटी सी टिकरी बना ले, उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द एवं गिल्टी समाप्त हो जाता है। नंबर 15, अदरक मितली के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जा रहा जाता है। यह ब्रेन में उन संकेतों को रोकने का काम करता है जो मितली को आने पर हमारे दिमाग में आते हैं, और इसे मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस के कारण होने वाली उल्टी को कम करने में प्रभावी माना गया है। नंबर 16, हल्दी एवं सेंधा नमक महीन पीसकर उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांतों का दर्द बंद हो जाता है। नंबर 17, कपूर को महीन पीसकर दांतों पर उंगली से लगाएं और उसे मले, सुराखों को भली प्रकार साफ कर लें, फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबाकर रखने से दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। नंबर 18, बैगन के भरते में शहद मिलाकर खाने से अनिंद्रा रोग का नाश होता है, ऐसा शाम को भोजन में भरता बनाते समय अवश्य करें। नंबर 19,
संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार एक एक कप पीने से गर्भवती की दस्त की शिकायत दूर हो जाती है। ऐसा डॉक्टर की सलाह पे ही करें। नंबर 20, गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाने से बंद गला खुल जाता है। नंबर 21, सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरियां निकालकर कुछ दिन खाने से मात्र से ही घुटने का दर्द समाप्त हो जाता है। नंबर 22, ताजा हरा धनिया मसलकर सूंघने से छींके आना बंद हो जाती है। नंबर 23, प्याज का रस लगाने से मस्सों के छोटे छुकड़े टुकड़े होकर जड़ से गिर जाते हैं। नंबर 24, प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से उल्टियां आना तत्काल ही बंद हो जाती है। नंबर 25, गैस की तकलीफ से तुरंत राहत पाने के लिए लहसुन की 2 कली छीलकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खाएं, फौरन आराम होगा। नंबर 26, मसालेदार खाना आपकी बंद नाक को तुरंत ही खोल देता है। नंबर 27, आलू का छिलका आपकी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है। इसे लगाने से आपकी काली पड़ी त्वचा का रंग सुधरता है। इसलिए आज के बाद आलू के छिलके छीलकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खाएं, फौरन ही आराम मिलेगा। नंबर 26, मसालेदार खाना आपकी बंद नाक को तुरंत ही खोल देगा। नंबर 27, आलू का छिलका आपकी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है। इसे लगाने से आपकी काली पड़ी त्वचा का रंग सुधरता है। इसलिए आज के बाद आलू के छिलके को फेंके नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करें। नंबर 28, यदि आपको अक्सर मुंह में छाले होने की शिकायत रहती है तो रोजाना खाना खाने के बाद गुड़ को चूसना ना भूलें। ऐसा करने से छाले आपसे बहुत ही दूर रहेंगे। नंबर 29, पतली छाछ में चुटकी भर सोडा डालकर पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। नंबर 30, शरीर में कहीं गुम चोट लग जाए या नक्सीर आए तो बर्फ की सेकाई से बहुत ही फायदेमंद होती है। नंबर 31, बवासीर से छुटकारा पाने के लिए सुबह खाली पेट 2 आलू बुखारे खाएं। नंबर 32, लहसुन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन को कम कर सकता है जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल का एक रूप होता है। नंबर 33, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो तो सुबह एवं शाम को प्याज का रस गर्म करके 1 तोला मतलब 1 चम्मच पिलाने से कीड़े अवश्य मर जाते हैं। धतूरे के पत्ते का रस निकालकर उसे गर्म करके गुदा पर लगाने से कीड़े से आराम हो जाता है। नंबर 34, हल्दी एक ऐसा मसाला है जो आमतौर पर भारतीय और मध्य पूर्वी व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार हल्दी और इसमें मौजूद करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में मददगार साबित होता है। नंबर 35, कच्चे आलू को पीस कर रस निकाल लें, फिर जले हुए स्थान पर उस रस को लगाने से आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त इमली की छाल जलाकर उसका महीन चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को गौ के घी में मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से आराम हो जाता है। नंबर 36, लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर उस तेल को सुबह दोपहर और शाम को कान में 2-2 बूंद डालने से कान के अंदर की फुंसी बह जाती है अथवा बैठ जाती है तथा दर्द भी समाप्त हो जाता है। नंबर 37, पके हुए अनार के फल का रस गुनगुना गर्म करके सुबह दोपहर एवं शाम को 1-1 चम्मच पिलाने से छोटे बच्चों को होने वाला दस्त और उल्टी अवश्य बंद हो जाता है। नंबर 38, 1 चम्मच सेम के पत्तों का रस एवं शहद बराबर मात्रा में मिलाकर प्रातः मध्यान एवं शाम को पीने से केचुए तथा के कीड़े 4 से 5 दिन में मरकर बाहर निकल जाते हैं। नंबर 39, जामुन की गुठली सुखाकर महीन पीस लें और उसे महीन कपड़े से छान लें। आधा चम्मच भर प्रतिदिन 3 बार सुबह दोपहर और शाम ताजे जल के साथ लेने से पेशाब के साथ चीनी आनी बंद हो जाती है। इसके अतिरिक्त ताजे करेले का रस 2 चम्मच नित्य पीने से शुगर रोग में लाभ होता है। नंबर 40, सौंठ को बहुत महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर
नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में आराम होता है। नंबर 41, नीम की मुलायम पत्तियों को पीसकर गौ के घी में उसे पकाकर फोड़े पर हल्के कपड़े के सहारे बांधने से भयंकर एवं पुराने तथा असाध्य फोड़े भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 42, ताजे करेले को महीन महीन काट लें, फिर उसे हाथों से भली प्रकार मल दें। करेले का पानी स्टील या शीशे के बर्तन में इकट्ठा कर लें। वही पानी 50 ग्राम की खुराक बनाकर 3 बार सुबह, दोपहर और शाम पीने से पेशाब की कड़क एवं जलन ठीक हो जाती है। नंबर 43, फिटकरी को तवे पर भून लें और उसे महीन पीस लें। तत्पश्चात 3 रत्ती फिटकरी के चूर्ण में बराबर चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम को सेवन करने से कुकर खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 44, अजवाइन, काली मिर्च व सेंधा नमक, इन तीनों को एक में ही मिलाकर चूर्ण बना लें। ये तीनों बराबर मात्रा में होने चाहिए। इस चूर्ण को प्रतिदिन नियमित रूप से रात को सोते समय गर्म पानी के साथ सेवन करने से कई प्रकार के उदर रोग दूर हो जाते हैं। नंबर 45, प्याज और गुड़ रोज खाने से बच्चे की ऊंचाई बढ़ती है। नंबर 46, रोज गाजर का रस पीने से दम्मे की बीमारी जड़ से दूर हो जाती है। नंबर 47, खजूर को गर्म पानी के साथ लेने से कफ दूर होता है। नंबर 48, 1 चम्मच समुद्री नमक लें और अपनी खोपड़ी पर लगा लें। इसे अच्छी तरह से मसाज करें और ऐसा करते समय उंगलियों को गीला कर लें। बाद में शैम्पू लगाकर सिर धो लें। महीने में 1 बार ऐसा करने से रूसी नहीं होगी। नंबर 49, अगर आपके नाखून बहुत कड़े हैं तो उन्हें काटने से पहले हल्के गुनगुने पानी में डालकर हाथों को भिगोकर रखें और 10 मिनट बाद उन नाखून को काट दें। इसके सारे नाखून आसानी से कट जाते हैं। नंबर 50, कुछ तुलसी के पत्तों को गुलाब जल में भिगोकर रखें। अब उन्हें पीस लें, इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाएं। इस पैक को चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद त्वचा को सादे पानी से धो लें। ये त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 51, अगर आप जीरा को पानी में उबालकर पीते हैं तो इससे आप अपनी उम्र को धीमा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को लंबे समय तक जवान बनाकर रखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। इन सभी उपायों को करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।